अब मात्र 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा करके आप अपने घर का एसी, फ्रिज, कूलर, टीवी, वॉशिंग मशीन, एलईडी लाइट यानी कि आप अपने घर का सारा उपकरण चला सकते हो, वो भी मात्र 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम से ही। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, मात्र 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम ही रहेगा जिससे आप टीवी भी चला सकते हो, फ्रिज भी चला सकते हो, एसी भी चला सकते हो, कूलर, फैन, आपके घर का जितना भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है सारे उपकरण को आप चला सकते हो। मैं आपको जो तरीका इस वीडियो में बताने वाला हूँ सेम वही तरीका आपको इस्तेमाल करना है और अपने घर का सारा उपकरण जो है चला लेना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि सबके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। देखिए दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि जब हम एसी को चलाते हैं तो एसी ही हमारा 1 किलोवाट सोलर पैनल का जो करंट है वो कंज्यूम कर लेगा, तो बाकी का उपकरण हम कैसे चला पाएंगे? तो सारे सवाल का जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। देखिए, आपके दिमाग में कई सारे सवाल घूम रहे होंगे, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको आपके दिमाग में जो सवाल चल रहा है सारे सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे घर पर टोटल लोड कितना है। देखिए, जब हम एसी को चलाते हैं तो हमारा एसी लगभग 850 वाट के आसपास में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, अगर हमारे पास 5 स्टार 1.5 टन कोई इन्वर्टर एसी है तो। अगर हमारे पास कोई फ्रिज है तो फ्रिज ऑलमोस्ट 300 वाट के आसपास में कंज्यूम करता है, एवरेज मान के चलते हैं 200 से 300 वाट। इसी तरह से दोस्तों, मान के चलते हैं कि हमारे घर पर टोटल लोड जो है अगर हम एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो 2000 वाट है, मतलब कि सारे उपकरण अगर हम एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो 2000 वाट निकल के आता है। लेकिन हम जो सोलर पैनल इस्तेमाल कर रहे हैं वो मात्र 1 किलोवाट का ही है, यानी कि 1000 वाट का ही है। तो 2000 वाट तो हमारे घर का लोड हो गया, लेकिन हमारा सोलर पैनल 1000 वाट ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, तो हम 2000 वाट कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, उसके लिए हमें लेना होगा ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम। अब ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में होता क्या है, जैसे कि हमारे घर पर लोड है 2000 वाट का और हमारा सोलर पैनल 1000 वाट ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, तो 1000 वाट हमारे सोलर पैनल से लेगा और 1000 वाट जो है हमारे ग्रिड से आएगा, दोनों मिलाकर के 2000 वाट हो जाता है। तो ये 2000 वाट हमारे घर में जाएगा, जिससे दोस्तों हमारे घर का बिजली बिल जो है 50% कम आएगा। लेकिन दोस्तों, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हम सारे उपकरण एक साथ इस्तेमाल करते हैं, कभी कभार हम 200 वाट ही इस्तेमाल करते हैं, कभी 400 वाट ही इस्तेमाल करते हैं, कभी 600 वाट इस्तेमाल करते हैं। तो उस सिचुएशन में होगा क्या कि जब हमारा सोलर पैनल 1 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा और हम इस्तेमाल करेंगे मात्र 500 वाट ही, तो हमारा सोलर पैनल से 500 वाट जो एक्स्ट्रा करंट बच जाता है वो वापस हमारे ग्रिड को चला जाता है, मतलब कि जो हम ग्रिड इस्तेमाल करते हैं, बिजली इस्तेमाल करते हैं, उसी बिजली विभाग को चला जाता है। और जब हमें 1500 वाट की ज़रूरत पड़ती है तो जो हमने एक्स्ट्रा करंट अपने ग्रिड को भेजा हुआ है वही एक्स्ट्रा करंट जो है हम वापस अपने ग्रिड से ले लेते हैं। इसी तरह से अगर हम महीने का कैलकुलेट करें तो एक देखिए नेट मीटर लगा हुआ होता है, ये सारा कैलकुलेशन रखता है कि हमने पूरे महीने में ग्रिड को कितना यूनिट इलेक्ट्रिसिटी दिया हुआ है और ग्रिड से कितना लिया हुआ है। सपोज हम मान के चलते हैं कि हमारा सोलर पैनल एक महीने में 100 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया हुआ है और हमारे घर पर खपत हुआ है 150 यूनिट, तो हम होगा क्या कि 50 यूनिट का ही हमें बिजली बिल जो है पे करना पड़ेगा। जैसे कि 100 यूनिट जो है हमारा सोलर पैनल ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दिया है, तो 100 यूनिट का हमें बिजली बिल पे करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जितना हमने ग्रिड से लिया हुआ है, यानी कि 50 यूनिट हमने ग्रिड से लिया हुआ है तो 50 यूनिट का ही हमें बिजली बिल जो है पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम 1 किलोवाट सोलर पैनल लगा करके हम 2000, 3000, 4000 वाट तक का लोड आसानी से चला सकते हैं। बस इतना रहेगा कि हमारा 1000 वाट जो है, 1000 वाट जितना हमारा सोलर पैनल करंट बनाएगा उतना का हमें बिजली बिल जो है पे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आप चाहें तो 1000 वाट अगर आपका पास सोलर पैनल है तो आप सोलर पैनल बढ़ा भी सकते हो, 2000, 3000 आप जितना चाहे उतना उसमें ऐड कर सकते हो। ओके गाइस, तो कुछ इस तरह से हमने आपको बता दिया कि 1000 वाट का सोलर पैनल लगा करके आप अपने घर का सारा उपकरण कैसे चला सकते हो। उम्मीद है इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर पूछें। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करें।